फिटनेस कोच, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। घर पर वर्कआउट करें पार्ट थ्री। माफी चाहूंगा, मैंने सोचा था कि ये तीन पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि तीसरे पार्ट में अगर मैं सारी चीजों को इंक्लूड करता हूं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हो सकता है आप लोग को ये वीडियो बोरिंग लगे, तो मैं पार्ट थ्री पे सिर्फ लेग के वर्कआउट बता रहा हूं। देन फंक्शन ट्रेनिंग के लिए एक अलग से पार्ट बना देता हूं और कंपाउंड वर्कआउट के लिए एक अलग से पार्ट बना देता हूं, तो टोटल हो जाएंगे पार्ट फाइव। तो फिलहाल डिस्कस करते हैं पार्ट थ्री के लिए, मतलब लेग वर्कआउट के लिए। लेग वर्कआउट के लिए हमें घरेलू चीजों में से कुछ चीजें हैं, जैसे हम बैग का यूज कर सकते हैं। जनरली बैग तो सबके घर में होता होगा, अगर खुद यूज नहीं करते तो घर के बच्चे यूज करते हैं। फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ स्कूल बैग, जिसमें मैंने कुछ पुस्तकें और कपड़े रखे हैं। आप कोई दूसरा बैग भी यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे ट्रेवलिंग बैग या और कोई सा बैग। दूसरा है ईंट, हम ईंटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है सिलेंडर, जिन लोगों को हैवी वर्कआउट करना है वो लोग सिलेंडर का भी यूज कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, अगर लोअर बैक में प्रॉब्लम है या घुटने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो वेट ज्यादा ना लें। कोशिश करें कि सेल्फ वर्कआउट करने का, बिना वेट के ही आप बॉडी वेट से ही वर्कआउट करो। और फाइनली ये चीज बोलना चाहूंगा, ये पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री और पार्ट फोर, पार्ट फाइव जो आने वाला है, इसमें जो सारे वर्कआउट मैं बताने वाला हूँ वो जो जिम करते हैं और जिन लोग नॉर्मली फिट हैं उनके लिए मैं वर्कआउट बता रहा हूँ। जिनको घुटनों में दर्द है, जिनको बैक में पेन है, जिनको कंधे में प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्थ इश्यू है, बीपी है, शुगर है, कोई भी हेल्थ इश्यू है, तो वो प्लीज ये सारे वर्कआउट को ना करें। उनके लिए मैं अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा आगे, तो बने रहिएगा मेरे चैनल में। सबसे पहले हम करते हैं वार्म अप। तो वार्म अप के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए और मेरा पार्ट वन देखिए, जिसमें आपको बताया गया है कि वर्कआउट से पहले हमें क्या क्या वार्म अप करना है। तो देखते हैं पार्ट थ्री, लेग वर्कआउट। सबसे पहले करेंगे हम जंपिंग स्क्वाट्स। जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करेंगे, ध्यान रहे घुटना टो से आगे ना जाए। फिर हम स्लो स्क्वाट्स करेंगे, जितना स्लो हो सके, पेन को फील करेंगे, दर्द को महसूस करेंगे और स्लो करेंगे एकदम। पोस्चर का ध्यान रखेंगे, चेस्ट ब्रॉड रहेगा और लोअर बैक आर्च रहेगा। फिर हम करेंगे वॉल स्क्वाट्स होल्ड। इसमें भी हम ध्यान रखेंगे कि घुटना टो के आगे ना जाए, बॉडी पूरी स्ट्रेट रहे। ध्यान रहे ये तीनों वर्कआउट हमें एक साथ करना है। तीनों वर्कआउट को कंप्लीट करने के बाद हमें रेस्ट करना है। इसके हमें तीन से चार सेट करने हैं। फिर हम करेंगे वेटेड स्क्वाट्स। इस पर भी ध्यान रखेंगे कि घुटना टो के आगे ना जाए, दोनों पैर शोल्डर के पैरेलल रहेगा, चेस्ट ब्रॉड एंड लोअर बैक आर्च रहेगा। फिर हम करेंगे लंजेस। लंजेस में भी ध्यान रखेंगे कि जो आगे वाला पैर है उसका घुटना टो के आगे ना जाए, लोअर बैक स्ट्रेट रहेगा, शोल्डर ब्रॉड रहेगा। सेम हम वेट के साथ भी कर सकते हैं। फिर हम करेंगे स्टेपर। ध्यान रखेंगे इसमें भी कि घुटना टो से आगे ना जाए और ट्राई करेंगे बॉडी को बैलेंस करने का। अगर बैलेंस नहीं होता है तो किसी चीज का सहारा ले सकते हैं आप। फिर हम करेंगे सीसी स्क्वाट्स। उसके लिए हमें पिलर की जरूरत पड़ेगी या फिर कोई ऐसा सरफेस जो आपके वेट को सह सके, जिसमें आप अपना पैर फंसा सके। ग्रिप अच्छा रखेंगे। इसमें कोशिश करेंगे कि जब हम नीचे से ऊपर आए तो स्लो ऊपर आना है हमें, ताकि हम हैमस्ट्रिंग में वो पेन फील कर सके। फिर हम करेंगे वेटेड साइड लेग रेज। सेम दूसरे पैर के साथ करेंगे। आप इसे बिना वेट के भी कर सकते हैं।
फिर हम करेंगे हिप थ्रस्टर, थोड़ा वेट के साथ करेंगे या फिर आप बिना वेट के भी इसे कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे हम बटरफ्लाई, जिसके लिए हम दोनों हाथों को दोनों घुटने पे रखेंगे और प्रेस करेंगे अपने दोनों घुटनों को। फिर हम करेंगे वाइड स्क्वाट, इस पे भी ध्यान रखेंगे कि घुटना टो से आगे ना जाए। चेस्ट को रखेंगे ब्रॉड, जिसको वेट के साथ करना है तो हम सिलेंडर का यूज कर सकते हैं। आखिरी है हमारा काफ रेस। ये था हमारा लेग वर्कआउट, जिसे हम घर पर ही कर सकते हैं। देखना मत भूलिएगा मेरे आने वाला वीडियो, जिसके लिए सब्सक्राइब करना होगा आपको मेरा चैनल। तब तक के लिए फिट रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। बाय बाय।